हमारे पास सारे कहने की बात है, ना कोई दवाई काम करती है, कुछ नहीं काम करता, क्योंकि होता ही नहीं हमारे पास, और हॉस्पिटल पहुंचने का समय भी नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छा मर्म है ताल हरिद्रय, ठीक है। अब कोई भी पैरालिसिस हो जाए या हमारे स्ट्रोक हो, तुरंत करने के लिए क्या है हमारे पास, ये मर्म स्थान। बहुत प्राचीन समय से ये हमारे चली आ रही है चिकित्सा, क्या है ये, ताल हरिद्रय मर्म, ठीक है। इसको कितनी बार दबाना है, 17 से 18 बार दबाना है। और दूसरा क्या बताया था हमने, क्षिप्र मर्म, तुरंत दबाने हैं, लगातार दबाने। कोई हमें समस्या लगे, जैसे ये बता रहे भूलने की समस्या, या कोई भी हमें कमजोरी लगे, ठीक है, 17 से 18 बार इसको दबाना है। ये क्या है हमारा, ताल हरिद्रय मर्म है। और भूलने की जो समस्या आ रही है उसके लिए क्या करना है, देखो ये स्थपनी मर्म है, ठीक है, ये ब्रेन का मर्म है, ठीक है। स्ट्रोक क्या है, ये ब्रेन की समस्या है। दवाइयों के साथ साथ हम क्या करेंगे, मर्म चिकित्सा भी करेंगे। ये स्थपनी मर्म है, 17 से 18 बार इसको दबाना है, ठीक है। गोटू डाल लो। और ये है हमारा सीमांत मर्म, 17 से 18 बार। ये ब्रेन के क्या है, मर्म, वाइटल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो वर्क करते हैं। सीमांत मर्म 17 से 18 बार, भूलने की, दिमाग की कमजोरी, ठीक है, जो हमारा स्ट्रोक के बाद दिमाग पे कहते हैं ना वीकनेस आ जाती है, उसको स्ट्रोक करने के लिए 17 से 18 बार सीमांत मर्म। ये क्या है हमारे सबसे ऊपर अधिपति, अधिपति मतलब सबका बॉस, ठीक है। इसको 17 से 18 बार दिन में 2 या 3 बार दबाना है, ठीक है, लगातार। चौथा क्या है हमारा, ये विधुर मर्म, जैसे बचपन में कान फेंकते थे ना टीचर, ये भी बहुत काम करता है विधुर मर्म। ये सारे क्या है, दिमाग के मर्म स्थान है, ठीक है। मजा आ रहा है या दर्द हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अनुलोम विलोम कर रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है, ये चारों मर्म दबाना है।